वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिनेमा दीवाने के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज का रिव्यू करेंगे, जिस वेब सीरीज का नाम है द रेलवे मैन। और ये वेब सीरीज को पता है किसने बनाया है? उस स्टूडियो का नाम है वायर एप, बोले तो यशराज फिल्म्स। और ये यशराज फिल्म्स की डेब्यू वेब सीरीज है। और भाई साहब, क्या वेब सीरीज है! ये वेब सीरीज बेस्ड है 1984 में जो भोपाल डिजास्टर हुआ था, जो गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से 15,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक रात के अंदर। तो उस रात में किस तरीके से रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने और बहुत ही अच्छे लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, वो सारी चीजों के लिए तो आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। और ये वेब सीरीज इतनी ज्यादा हार्ड हिटिंग है, इतनी ज्यादा इमोशनल है, इतनी ज्यादा आपको अंदर से रुला दे वैसी वेब सीरीज है। और साथ में इसके अंदर थ्रिल तो ऐसा भर भर के डाला है ना डायरेक्टर ने। सच में डायरेक्टर का भी डेब्यू और यशराज का भी डेब्यू, इन दोनों का डेब्यू इतने बेहतरीन तरीके से नेटफ्लिक्स में जिस तरीके से हमारे सामने पेश किया ना दोस्तों। और दूसरी ओर इस वेब सीरीज में इतनी अच्छी तरीके से सारे आस्पेक्ट को दिखाया ना भाई, वो देख के तो आप कहोगे भाई यार सच में बहुत बुरा इंसिडेंस था वो। सीरीज की बात करूँ तो इसमें ऐसे बेहतरीन एक्टर्स हैं, उनमें से सबसे नंबर वन पे अगर मैं कहूँ तो के मैनन। इस बंदे ने इस वेब सीरीज में एक्टिंग नहीं की, बल्कि इस पूरी वेब सीरीज में अपनी जान लगा दी है। क्या एक्टिंग करता है भाई यार! अगर इस वेब सीरीज के लिए के मैनन सर को अवार्ड ना मिले ना, ये हो नहीं सकता। साथ में बाबिल खान, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसके अंदर। आर माधवन कह लो, मंदिरा बेदी कह लो, जूही चावला कह लो, सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है इस पूरी वेब सीरीज के अंदर। साथ में डायरेक्टर ने जिस तरीके से इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है, और ऊपर से इतना टाइट और इतना खतरनाक वाला स्क्रीन प्ले है इसका। अभी दोस्तों आप किसी का वेट मत करो, किसी की बात मत सुनो, नेटफ्लिक्स पे जाओ और सीधा रेलवे मैन वेब सीरीज को एक बार तो प्लीज ये वेब सीरीज को देखो। और ये वेब सीरीज इतनी ज्यादा इमोशनल है कि पत्थर दिल वाला इंसान भी रोने पे मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी ओर से तो ये वेब सीरीज को 5 out of 5 की मैं रेटिंग देता हूँ। मुझे तो ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो दोस्तों आप भी कमेंट में लिख के बताओ कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।